Okay, so good morning all of you. Uh, I am Praveen Patwari and I started this institute long back, 9 years ago, and I have cumulative teaching experience of 13 plus years. I qualified as a chartered accountant in 2020, and when I was doing my CA at that point of time, the course intrigued me a lot. कोर्स स्ट्रक्चर अनलाइक सी ए इ पेपर बेस्ड लाइक आपको एक पेपर एक बार में देना होता है इसमें ऐसा नहीं कि आपको ग्रुप सिस्टम है सो सी एज अर्स इज ऑल्सो वेरी गुड लाइक अकाउंट ऑडिट टैक्सेशन एंड इन दिस कोर्स ब्रॉडली आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिस्क मैनेजमेंट नाउ देर आर लॉर्ड ऑफ मिथ्स रिगार्डिंग दिस कोर्स दैट इट्स ऑल मैथ्स एंड स्टैट बट इज नॉट दैट सो If you see, there are maths and stats in only 4 exams out of 13, which is CM 1 and 2, CS 1 and 2. But apart from that, you will not see any statistics or any mathematics, core mathematics or core statistics in any of the exams. Again, if you see a broad division of these exams, the exams are broken down into 2 parts. So let us take the example of CM 1. So CM 1, if you see, it's divided into 2 parts there is paper A and paper B. Okay the paper b part is excel based try to understand so it's not that if someone around you is basically kind of demotivating you that's very high level of mathematics and statistics is required the answer is no the main reason this myth flourished in india is because the trainers 5 years ago 10 years ago they didn't have the exposure to higher level exams so they did, once i started teaching i i, I just cleared two exams एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सीइंग कि भाई पहला दो पेपर में कितना मैथ्स एंड स्टैट्स है आई फेल्ट कि आगे के पेपर्स में भी मैथ्स और स्टैट्स होगा बट ऐसा नहीं है आर यू अंडरस्टैंडिंग एंड दिस कोर्स इज लॉन्ग इट्स चैलेंजिंग बट इट्स अ फुल टाइम प्रोफेशनल कोर्स विच इज गॉट वेरी गुड फ्यूचर नाउ वाई द स्कोप ऑफ एक्चुअली इज इंक्रीजिंग इन इंडिया इन ए इज बिकॉज नाउट इज द बिजनेस इन नज वेरी वोलाटाइल वोलाटाइल का मतलब क्या होता है कि रिस्क बढ़ रहा है हर टाइप के बिजनेस में रिस्क बहुत बढ़ रहा है आज आप देखोगे जो टेम्परेचर है सो so, टेंपरेचर से भी हमारे कोर्स का लेना देना है सो so, टेंपरेचर से कैसे लेना देना है मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं अभी हम लोग समझ में राइट ऑनलाइन में सबको मेरा वॉयस आ रहा है ना ठीक है सो so, बेसिकली अभी हम लोग समझ में है तो समझ में थॉट अब जैसे मान लो समर में कौन सा कंपनी ज्यादा चलेगा कूलर ड्रिंक्स राइट आइसक्रीम कंपनी राइट सो फॉर एग्जाम्पल इफ समर्स आर नॉट सो हॉट फॉर एग्जाम्पल इन समर टूडेज टेम्परेचर मे बी इट्स थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इफ लेट्स ए सपोज ये थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस नहीं होता है ये थर्टी डिग्री सेल्सियस होता है तो जितना एसी बिकना था उससे कम बिकेगा सो देर इज अ रिस्क राइट सो इस टाइप का रिस्क को हम लोग डील कर सकते हैं अगेन आप देखते हो आज के दिन पे डेली बेसिस पे न्यूज आता है कहीं बाढ़ आ गया कहीं सूखा हो गया कहीं बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो गया सो so, ये सब जो कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट है फॉर एग्जाम्पल ब्रिज गिर जाना कैलकटा में वेरी ऑफ एन के ब्रिज गिर जाता है राइट सो देर इज लॉट ऑफ फाइनेंशियल लॉस एसोसिएटेड विथ दैट सो वी कैन नॉट कंट्रोल ब्रिज का गिर जाना बट उससे जो लॉस है उसको हम लोग इंश्योर कर सकते हैं ना वन मो मिथ इज दैट पल थिंक दैट वी ओनली डील इन इंश्योरेंस देंसर इज नो उसके बाद में एक और मिथ यह भी है कि वी आर दिल्स पर्सन इन इंश्योरेंस नो वी मेक दो नाउ वेन यू गो टू अंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कैन बी डिडेड इन टू लाइफ जनरल इन जनरल द लॉस ऑफ लाइन्स ऑफ बिजनेस सो फॉर एग्जाम्पल आपके गाड़ी का इंश्योरेंस आपके घर का इंश्योरेंस आपका हेल्थ इंश्योरेंस सो so आज के दिन पे ऑल द थिंग्स आर इंश्योर्ड क्यों हमारा जो कैश फ्लोज है वो स्टेबिलाईज हो गया सो फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाता है ही गेट्स एडमिटेड टू हॉस्पिटल बिल आया दस लाख का उसका एनुअल इनकम है पांच लाख का तो क्या वो ये बिल पेमेंट कर पाएगा द आंसर इज नो बट ड्यू टू इंश्योरेंस वो हर साल एक प्रीमियम पे करता है कितने का प्रीमियम पे करता है पंद्रह हजार का वो पंद्रह हजार का प्रीमियम पे करता है ताकि जब ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो ये पूरा का पूरा खर्चा कौन देगा इंश्योरेंस कंपनी देगा राइट सो दिस इज ऑवि स्टेबिलाईज अवर कैशलोस फ्लाइट फ्लाइट टिकट से लेके फ्लाइट टिकट से लेके मूवी टिकट से लेके आपके दांत आपके बॉडी पार्ट आपका गला सिंगर का गला रोनाल्डो का पैर सब कुछ इंश्योर्ड है ठीक है ना सो दिस लीड्स टू ग्रोइंग डिमांड आज के दिन पे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इन इंडिया इज रफली 1500 के आसपास होगा ठीक है इंडियन इंस्टीट्यूट एंड यूके इंस्टीट्यूट मिला के बट ये नंबर जाके बढ़ेगा पच्चीस हजार तीस हजार आने वाले बीस सालों में सो वी हैव वेरी राइजिंग डिमांड अब पहले के टाइम पे क्या होता था लाइक like मेरे को अभी मेरा एक पेपर बचा है आई हैव क्वालिफाइड आउट ऑफ एग्जाम्स आपके करिकुलम में तेरह एग्जाम्स है तो इट टूक मी लॉर्ड ऑफ टाइम बट आपको उतना टाइम नहीं लगेगा इफ अ स्टूडेंट इज स्टडिंग रेगुलरली फॉर थ्री नो दो आपको बहुत डेडिकेटेडली स्पेंड करना है मतलब तीन घंटा पढ़ाई मतलब पढ़ाई अगर आप तीन घंटा हर रोज पढ़ते हो आने वाले चार साल तो आपका ऑलमोस्ट ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा हायर एग्जाम्स जॉब में जाके देना होता है बट अपार्ट फ्रॉम दैट सारा एग्जाम्स हम लोग ये चार साल का ग्रेजुएशन में क्लियर कर सकते हैं ठीक है ओके दिस वॉज द बेसिक डिटेल नाउ सीएम का जो पेपर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुरियल मैथमेटिक्स Now, अभी तक हमने जो भी कुछ पढ़ा था क्लास इलेवन एंड ट्वेल्व में उसमें क्या था इंटीग्रेशन था डिफ्रेंसिएशन था बट अब वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन डिफ्रेंसियन नहीं आएगा हम लोग उसको फाइनेंस के लिए यूज करेंगे इन सम ऑफ समा कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट एक कैलकुलेटर जो हम लोग को थ्रू आउट द जर्नी में चाहिए होगा इच इज एफ एक्स एटी टू ई एस प्लस ये कैसियो कंपनी का है ठीक है यही कैलकुलेटर हम लोग को यूज करना है अभी पहला एक दो क्लास में आप कॉपी लेके आइए नेक्स्ट क्लास से आपको लैपटॉप लाना पड़ेगा इसके ये वाला वीक का दो तीन क्लास आप कॉपी पे करो फिर डे वन से आपको यही सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है बिकॉज चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट हो चाहे यूके बॉडी हो सारे के सारे एग्जाम्स अब ऑनलाइन हो गए हैं अब बच्चे लोग को लगता है इसमें मजा मजा क्या है सर ऑनलाइन एग्जाम है तो बहुत मजा आएगा बट कोई भी बट कोई भी मजा नहीं है क्यों मैं आपको बताता हूं ये लोग का जो प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है बहुत स्ट्रांग है ओपन बुक एग्जाम है पे वही बच्चा कर सकता है जो पूरा से समझा है देखो एक होता है एआई आई बेस्ड वर्क जो कॉपी पेस्टिंग वर्क होता है डिफाइन दिस डिफाइन दैट वो सब नहीं आता इस एग्जाम में वहां पर आपका क्रिटिकल थिंकिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग का एबिलिटी पूरा टेस्ट होता है ठीक है ना सो so, और एक बात बताता हूं लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अगर नहीं देखा है तो तुम लोग इस कोर्स में देखेगा ऐसा नहीं है कि जो बच्चा छह पेपर क्लियर आप लोग देखेंगे बहुत लोगों भी पेपर सात पेपर आठ पेपर पे है ठीक है डिमांड तब बनता है जब आप एक फुल्ली क्वालिफाइड प्रोफेशनल बनते हो उस दिन आपका डिमांड बनता है टेकिंग फ्यू ऑफ द एग्जाम्पल्स अवर सक्सेस स्टोरीज माई स्टूडेंट आरुषि वो भी यही इन्हीं बेंचेस में बैठती थी करेंटली शी इज इन यूके ठीक है लाइक शी क्वालिफाइड एक्चुअली as well as FRM in a very limited time span. Again, taking few more examples, like we have our students in UK, US, the numbers are 30 plus. Okay. Now it's not something which I'm boasting, but recently one of my students, she qualified CA as well as actually in a limited time span currently she's in Bangalore. मोस्ट ऑफ दी इंडस्ट्रीज आर सेटअप इन बेंगलुरु चेन्नई बॉम्बे गुड़गांव कैलकाटा में भी है वर्क फ्रॉम होम अभी काफी डेवलप हो गया बिकॉज जितने भी सारे एमएनसी एन सी कंपनीज है वो चाहते हैं कि वो वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करे ठीक है तो वो कंपनीज भी हैं। पहले क्या होता था अब जो बिग सिक्स फॉर्म्स है ई एन वाई केपीएमजी पीडब्ल्यूसी डेलॉयड ग्रैंड थॉटर्न बीडीओ इनका जो एक्चुअल डिविजन था वो कुछ भी नहीं था मतलब एकदम कम समझ लो बट आज के दिन पे इनके टीम्स हैं ई एन वाई इंडिया इज हैविंग अ टीम ऑफ थ्री हंड्रेड प्लस एक्चुर प्रोफेशनल तो डिमांड इज ग्रोइंग इट विल कीप ऑन ग्रोइंग एट दिस पेस एंड इवन मोर ठीक है सो so, अब ये जो कैलकुलेटर की बात हो गई अच्छा कुछ कुछ जो बेसिक चीज है वो हर चीज मैं नहीं बताऊंगा आपको क्यू फोरम पे लॉग इन करना है वहां पर आप जो स्टडी मेटेरियल वाले सेक्शन में जाओगे आपको वहां पर इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स दिखेगा इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स में जाना है आपको वहां पर कैलकुलेटर का पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा ठीक है जो थोड़ा बहुत बेसिक लगेगा वो मैं क्लास में ऐसी बता दूंगा बट वो पूरा आपको ट्यूटोरियल देखना है उसके बाद आज से आपके स्टैट्स की भी भी बेसिक क्लासेस चालू हो बिकॉज ये भी आपको करिकुलम में ओवर द टाइम लगेगा ठीक है उसके बाद में एक्सेल का जो बेसिक्स है वो आपको खुद से करना है मैम भी आपको कराएगी बट एक्सेल का एकदम बेसिक क्लास है लाइक अराउंड फोर टू फाइव क्लासेज है वो आपको क्यू फोरम में इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स के अंदर में ही मिलेगा क्यू फोरम को दिन में चार से पांच बार चेक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कोई इनफॉर्मल ग्रुप नहीं है ठीक है आपको क्यू फोरम को चेक करना है कोई भी एकेडमिक नॉन एकेडमिक क्वेरी आपको क्यू फोरम पे ही रेस करना है क्यू फोरम का जो बुक मार्क है वो अपने फोन पर अपने लैपटॉप पे लगा लो उसको दिन में तीन से चार बार चेक करना है ठीक है ना ओके ओके सो ंग अड नाउ सीएम वन इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट पेपर ए एंड पेपर बी दोनों ही आपका हंड्रेड हंड्रेड मार्क्स का आता है नाउ पेपर ए लोग बोलते हैं थियोरी है थ्योरी कुछ नहीं होता है इसमें थ्योरी कुछ नहीं होता है देर आर टू टॉपिक्स जो हम लोग बेसिकली सीएम वन में पढ़ने वाले हैं एक है आपका बैंकिंग एक है आपका बैंकिंग और एक है आपका इंश्योरेंस प्रेफरेबली लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हम लोग पूरा पढ़ेंगे सो so, ये दोनों का जो वर्ड पे जो टाइपिंग होगा वो पेपर ए है सौ नंबर एक्सेल पे जो एप्लीकेशन आएगा दैट इज पेपर बी सौ नंबर ठीक है आई एफ में इसका जो रेशियो है विच इज सेवेंटी थर्टी मतलब सेवेंटी परसेंट वेटेज इज ऑफ पेपर ए थर्टी परसेंट वेटेज इज ऑफ पेपर बी ओके एंड इंडियन इंस्टीट्यूट में इसका जो वेटेज है दैट इज फिफ्टी फिफ्टी क्लियर है ओके okay. नाउ कोई यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट से करे आई एफ इंस्टीट्यूट से करे सिलेबस पूरा सेम है एकदम पूरा एकदम सेम है उसमें कोई भी आ, मतलब डिफरेंस नहीं है द ओनली डिफरेंस इज जो इंडियन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आईआई के पेपर्स का अपार्ट फ्रॉम दैट सिलेबस टेक्स्ट बुक एक्जेक्टली सेम है आपको दो किताब दिया गया होगा एक आपको दिया गया पास्ट एग्जाम पेपर्स का जिसमें लास्ट टेन ईयर्स का है ठीक है और एक आपको समरी बुक दिया गया होगा ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द मटीरियल आर इन क्यू फोरम्स स्टडी मेटेरियल सेक्शन इन सॉफ्ट कॉपी ये जो क्लास नोट है इसको प्रॉपरली लिखना है आई कैन अलाउ यू टू टाई बेसिकली राइट ऑल दी क्लास नोट इन यॉपी बिकॉज शुरू शुरू में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा इन अंडरस्टैंडिंग टाइपिंग करने में और संग संग समझने में आप कॉपी लेके आओ बट लैपटॉप लाना मैंडेटरी है नेक्स्ट वीक से ये तीन क्लास अभी आप कॉपी में करो गेट कंफर्टेबल एंड उसके बाद में फिर आपको लैपटॉप लाना है सारा क्लास आपका लैपटॉप पे ही होगा डे वन से ठीक है एंड लैपटॉप बहुत भारी भरकम लैपटॉप नहीं लेना गेमिंग लैपटॉप नहीं लेना है कि मई बापा को बोल दिया सर बोले आई सेवन लैपटॉप लेना है ऐसा नहीं है आई थी नॉर्मल लैपटॉप लेना है जिसमें बेसिक एमएस एक्सएल और एमएस वर्ड चले और कुछ दरकार नहीं है ठीक है ना कि पढ़ाई के नाम पे बोल दिया सर बोले हैं वो एसर वाला गेमिंग लैपटॉप नहीं वो सब नहीं चाहिए ठीक है तो ये है नाउ मूविंग अहेड क्या पढ़ेंगे सर हम लोग इस पेपर में जैसे एक ही चीज है पूरा इसमें इसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन ठीक है एक एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे मान लो मेरे को एमबीए करने जाना है तीन साल बाद आज हम टाइम जीरो पे खड़ा है तीन साल पे मेरे को एमबीए करने के लिए पचास लाख रुपए चाहिए ठीक है तीन साल बाद पचास लाख रुपए चाहिए तो आज कितना रुपया बैंक में जमा करेंगे आज कितना रुपया बैंक में जमा करेंगे ताकि तीन साल बाद वो पैसा पचास लाख बन जाएगा दिस इज डिस्काउंटिंग पैसा को टान रहे हैं टान के कहां लेके आ रहे हैं प्रेजेंट पे, है, है? पे ला रहे हैं राइट ठीक है पैसा को टान रहे हैं प्रेजेंट पे ला रहे हैं डिस्काउंटिंग ठीक है एक और एग्जांपल एक और एग्जांपल आज मेरे पास में दस लाख रुपया है तुम लोग सब आया फीस लेके आया दस लाख रुपया जमा हुआ ठीक है हमको इसको फ्यूचर पे भेजना है तीन साल आगे देना है हमको ये जानना है कि ये दस लाख रुपया अगर हम बैंक में रखेंगे तो तीन साल बाद कितना रुपया बन जाएगा दिस इज कंपाउंडिंग पैसा को आगे लेके जाना कंपाउंडिंग टान के प्रेजेंट में लाना डिस्काउंटिंग पूरा का पूरा ये सीएम वन में हम लोग सिर्फ यही दो चीज करेंगे आने वाला सौ क्लास दो घंटा में तुमको सिर्फ यही सिखाया जाएगा कि पैसा को फ्यूचर में कैसे भेजना है कंपाउंडिंग टान के प्रेजेंट पे कैसे लेके आना है डिस्काउंटिंग आज के बाद घर में कभी भी फाइनेंस रिलेटेड बात हो इंश्योरेंस रिलेटेड बात हो और कभी आपके पेरेंट्स बोले कि बेटा रूम के बाहर जाओ बोला नहीं हम भी एडवाइस देंगे आपसे सर हमको सिखाएं मैं सब सीख के आया हूं ठीक है ना जहां तुम वो सब बोल देगा ना कि यार यहां पर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए तब तो फिर देखो घर में इज्जतें मिलना चालू हो जाएगा ठीक है तुम समझ ना, ऐसा होता ना, है ना बोलते ना रूम से बाहर जाओ अभी अभी बड़ा लोग बात कर अब तुम लोग भी इसमें एडवाइस देना चालू करेगा ठीक है सो बेसिकली दो ही चीज करना है एक पैसा को फ्यूचर पे कैसे लेके जाना है दिस कंपाउंडिंग एंड टान के प्रेजेंट पे कैसे लेके आना दिस इज डिस्काउंटिंग राइट ओके ओके नाउ अभी ये टाइम जीरो है ये टाइम फाइव है ठीक है हम यहां पर सपोज करो दस हजार रुपए दिया तो नाम क्या चिराग को हम दस हजार रुपए दिए ठीक है पांच साल बाद चिराग मेरे को बारह हजार रुपये दिया ठीक है अभी हम चिराग को दिया तो मेरा कैश फ्लो नेगेटिव पांच साल बाद चिराग मेरे को पैसा देगा तो कैश फ्लो पॉजिटिव चिराग मेरे को दो हजार रुपये एक्स्ट्रा दिया देंगे नहीं सब सोचना मत तो चिराग मेरे को दो हजार रुपए एक्स्ट्रा दिया ये दो हजार रुपए क्या चीज का है दिस इज फॉर ब्याज इसको हम लोग इंटरेस्ट भी बोलते हैं राइट right? ये सबको पता है कि सर पैसा देंगे तो ब्याज लगेगा ये हम लोग हम लोग को बचपन से सिखाया गया है फ्री में कुछ नहीं देने का तो ये जो दो हजार रुपए एक्स्ट्रा दिया है ये क्यों दिया है क्योंकि वो मेरा पैसा यूज किया है राइट देर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मनी नाउ वॉट डू मीन बाई दिस ऑपरचुनिटी कॉस्ट इज दैट कि अगर मान लो ये पैसा मैं किसी और को देता या फिर मान लो मैं कहीं पर इन्वेस्ट करता तो वहां से मेरे को रिटर्न आता तो मैं यह पैसा इसको फ्री में क्यों दू मनी ऑलवेज पैसा हमेशा स्केरसिटी में ही रहेगा जितना दे दो उतना कम है सो देर इज ऑलवेज एन अपरचुनिटी कॉस्ट ठीक है दूसरा चिराग आज फर्स्ट क्लास में आया ऑरेंज रंग का टी शर्ट पहन के आया है ठीक है अब ये कल से गायब पैसा दिए गायब तो पैसा के संग हमेशा क्या होता है एक रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड होता है ये रिस्क कौन ले रहा है ये रिस्क कौन ले रहा है ये रिस्क कौन ले रहा है हम ले रहे हैं मेरा पैसा है सामने वाला अगर भाग गया तो नाउ अंबानी फैमिली में दो भाई है मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तुम लोग पैसा किसको देगा अरे बोलो मुकेश अंबानी को हम लोग पैसा देंगे अब दो जन और है मुकेश अंबानी और गवर्नमेंट तुम लोग पैसा किसको देगा गवर्नमेंट को देगा बिकॉज गवर्नमेंट को पैसा दिया मतलब रिस्क फ्री राइट तो इन सब का रेटिंग होता है रेटिंग का मतलब क्या सामने वाले का देखना पड़ेगा कि सामने वाले का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है अभी अगर कल कल से घर पे बात हो ना पैसा दे दे क्या बोलना पापा आप क्या समझे इस चीज को कि सामने वाले का रिस्क फैक्टर क्या है सामने वाले को पैसा दिया लेके भाग गया तो क्या होगा ऐसे एडवाइस देना चालू करो ठीक है तो देर इज ऑलवेज ए रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद मनी हम सामने वाले को पैसा दिया लेके भाग गया तो क्या होगा राइट right? एक और इकोनॉमिक्स सब लोग पढ़ा होगा जो नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है जो लैंड देता है उसको क्या मिलता है रेंट लैंड वाले को कैपिटल मिलता है ठीक है जो लेबर होता है उसको क्या मिलता है वेजेस ऑनट्रोप्रीनियर को क्या मिलता है प्रॉफिट तो जो कैपिटल देगा उसको कुछ मिलना चाहिए ना इंटरेस्ट जो कैपिटल देता है उसको क्या मिलता है जो पैसा लगाता है उसको इंटरेस्ट चाहिए होता है राइट सो बेसिकली हम लोग कैपिटल पे क्या देते हैं इंटरेस्ट अब एक बात समझना ये सब तो ठीक है ये सब तो ठीक है सर अभी एक बात बताता हूं मैं तुमको एक बात बताता हूं यहां पर ये जीरो है और ये टेन इयर्स ठीक है दस साल पहले मैं पढ़ाना चालू किया था उस समय मैं पंद्रह हजार रुपए महीने का कमाता था ठीक है एकदम मच्चानी लाइफ मतलब सब कुछ एवरीथिंग वॉज वेरी फाइन तब टैक्सी का भाड़ा भी कम था खाने गर्लफ्रेंड को घुमाने जाओ तो दो सौ में काम हो जाता था अभी क्या होगा एक प्लेट मोमो का दाम हो गया डेढ़ सौ रुपया जो प्रैक्टिकल बात है वो कर रहे ठीक है थीके? तो क्या आज दो सौ रुपया होगा तो क्या गर्लफ्रेंड मान जाएगी बोलो ना तुम लोग तुम लोग तो बाहर तुम गया होगा ना बाहर बाहर नहीं गया झूठ बोलता है ठीक है सो so, इससे क्या समझ में आता है वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम मतलब पैसे का वैल्यू गिरता है परचेजिंग पावर लाइक आज अगर मान लो पंद्रह हजार रुपया ही होगा तो क्या मैं सेम लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर पाऊंगा द आंसर इज नो चीजें महंगी हो रही है राइट right? आप डीजल पेट्रोल का दाम देखिए आप रेंट देखो आप कुछ भी खाने वाने जाते हो जो बेसिक नेसेसिटीज है उसका आप दाम देखो हर चीज का दाम बढ़ रहा है तो क्या आप पंद्रह हजार रुपया से ही वही लाइफ स्टाइल अफोर्ड कर सकते हो नहीं यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा सो दिस एक्स्ट्रा टू थाउजेंड रुपीज वो क्यों दिया बता सकता है कोई वो ये दो हजार रुपया एक्स्ट्रा सिर्फ इसी लिए दिया है टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी यह दो हजार रुपया एक्स्ट्रा वो इसी लिए दिया है टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी कि भाई सामने वाला मेरे को दस हजार रुपया दिया क्या पांच साल बाद यह दस हजार का वैल्यू सेम रहेगा गिर जाएगा ना बढ़ जाएगा गिर जाएगा तो इसीलिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है एंड दैट एक्स्ट्रा इज नोन एज इंटरेस्ट ये जो एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं दिस एक्स्ट्रा इज नोन एज इंटरेस्ट ठीक है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ठीक है ऑनलाइन में बताइए यहां तक कोई भी डाउट यहां तक कोई भी डाउट बताइए ओके okay. सो so बेसिकली आज हम लोग को यह समझ में आ गया सर कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम एंड ये दो हजार रुपए हम लोग सिर्फ इसीलिए दे रहे हैं टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इन वैल्यू ऑफ मनी राइट अगर मान लो दस हजार के बदले दस हजार ही देता एक छोटा सा एग्जाम्पल और समझो जैसे मान लो पचास रुपया किलो चावल आता है ठीक है पांच साल के बाद में ये हो गया साठ रुपया किलो बेसिक एग्जाम्पल है राइट तो यहां पर मेरे पास था पांच हजार रुपया तो हम कितना खरीद पाएंगे सौ किलो राइट यहां पर भी अगर मेरे पास पांच हजार रुपया ही हो तो क्या मैं सेम खरीद पाऊंगा ज्यादा ना कम कैसे निकालेंगे कितना किलो चावल आएगा करो सब लोग कैलकुलेट अरे बेटा तुम लोग कुछ तो करो सब हम ही करें क्या सर हम पैसा दिया तो क्या हुआ ठीक है करो पांच हजार को सिक्सटी से डिवाइड करो समझ रहे तो ज्यादा खरीद पाया सेम ना कम कम ठीक है सो बेसिकली परचेजिंग पावर गिरता है राइट परचेजिंग पावर गिरता है अब यही मान लो इसमें ब्याज जोड़ते कुछ मेरे को मिलता 6500 या फिर 6000 तो हम सेम या फिर ज्यादा खरीद पाते अब सुनो एक और सुनो आजकल तुम देखेगा बहुत सारा म्यूचुअल फंड का टीवी में एड आता है उसमें वो लोग बोलता है कि भाई म्यूचुअल फंड सही है म्यूचुअल फंड सब लोग बोलते हैं ना धोनी ओनी सब लोग आ रहे हैं ना उसमें क्या लॉजिक क्या है पहले क्या होता था सब लोग एफडी में पैसा लगाया एफ में हम लोग को ब्याज आया छह परसेंट का ठीक है बेसिक चीज समझो एफ में कौन है किसी के पास कॉपी नहीं है तो ए फोर शीट किसी को चाहिए यस आज के लिए दे दो पांच रुपये तो ले लेना ठीक है तो दे दो लंबा क्लास है बेटा ठीक, पेन दे दो ठीक है तो बेसिकली इधर आओ वापस नेक्स्ट क्लास आज तो फर्स्ट क्लास था पंद्रह मिनट पहले आके बैठेगा क्लास में ठीक है अगला क्लास जो कल से जो क्लास होगा साढ़े दस बजे डॉट चालू कर देंगे और एक मिनट किसी के लिए नहीं रुकेंगे ठीक है याद रखना सर रास्ता जाम था तो जल्दी निकलो कुछ भी हो मेरे हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा आई एम द बॉस ठीक है सर हम कोई और ट्रेनिंग सेंटर देख लेंगे देख लो ठीक है सो इट्स अप टू यू सो ध्यान देना हम लोग लास्ट वाला एग्जांपल क्या लिए थे ओके okay. अभी एक चीज ध्यान देना अभी ये जो हो रहा है वैल्यू ऑफ मनी क्या क्या रीजन हम लोग दिया था अभी याद दिलाओ मेरे को भाई याद नहीं आ रहा है पहला था रिस्क फैक्टर मनी हैजॉर्चुनिटी कॉस्ट और एक क्या था जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट देखिए जो कैपिटल देगा उसको इंटरेस्ट uh, मिलना चाहिए और एक देखिए वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम अब एफ का बात कर रहे थे मेरे को याद आ गया एफ का बात कर रहे थे सो so एफ का जो हम लोग बात कर रहे थे अगर कोई मान लो छह परसेंट में ब्याज कमा रहा है राइट तो एक हजार रुपया लगाएगा तो कितना हो जाएगा देखो तो मैं तुम लोगों को ना फैक्टर बनाना सिखाता हूं छह परसेंट का मतलब क्या है आज अगर एक रुपया लगाएगा तो एक साल बाद कितना बन जाएगा वन पॉइंट जीरो सिक्स एक्जैक्टली वो सुन रहा है वो सुन रहा है तुम लोग कोई नहीं सुन, सुनना पड़ेगा ध्यान से सुनना पड़ेगा ये सत्संग नहीं चल रहा है यहां पर ध्यान से सुनो तो एक रुपया अगर लगाएगा तो एक साल बाद कितना मिलेगा वन पॉइंट जीरो सिक्स ठीक है दो साल बाद वन पॉइंट जीरो सिक्स का स्क्वायर दिस इज द फैक्टर मेथड फैक्टर मेथड को दिमाग में डालो ठीक है फैक्टर मेथड को दिमाग में डालो एक साल बाद वन पॉइंट जीरो सिक्स दो साल बाद 1.06 का स्क्वायर तीन साल बाद पूरा बोलो 1.06 का क्यूब पांच साल बाद 1.06 टू दी पावर फाइव दस साल बाद 1.06 टू जीरो पावर टेन। समझ में सौ मैडम मैं क्या बोल रहा हूं तो ये मैंने फैक्टर बनाया तो एक हजार रुपया तो मैं एफडी में लगाया तो ये बन गया हजार साठ ठीक है बट जो इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन मतलब जो सामान यहां पर हजार रुपया का मिलता था आज वही मिलने लग गया है ग्यारह सौ का तो क्या तुम सेम सामान खरीद पाएगा विल यू बी एबल टू परचेज द सेम बंडल ऑफ गुड्स मोर और लेस द आंसर इज लेस इसीलिए म्यूचुअल फंड इतना पब्लिश हो रहा है अभी लोग बोल रहे हैं थोड़ा सा रिस्क लीजिए थोड़ा सा रिस्क लीजिए और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए ताकि आपको इतना पैसा मिले कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाए इन्फ्लेशन को बीट करने का मतलब क्या है तुम एफडी में लगाया छह इन्फ्लेशन है आठ परसेंट का फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड दे रहा है दस परसेंट का तो भाई अब तुम इन्फ्लेशन को बीट तो किया अगर तुम एफडी में पैसा लगाता तो तुम्हारा जो करेंट लेवल ऑफ लाइफ है वो भी तुम मेंटेन नहीं कर पाता बात समझ लगे नहीं तो इसीलिए बोला कि 10 परसेंट पे अगर म्यूचुअल फंड का रिटर्न आ रहा है तो इससे क्या होगा तुम इन्फ्लेशन को बीट भी करेगा और कुछ सरप्लस पैसा भी तुम्हारे पास रहेगा समझ रहा है तो इसीलिए हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं जब भी घर पे बात हो तो ये बताना कि एफडी से बेटर आपको अगर रिस्क उतना नहीं लेना है तो आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगा सकते हैं और भी एक तरीका है इन्वेस्टमेंट का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब रिलायंस का बॉन्ड्स निकलता है व्हाट इज अ बॉन्ड पहले ये समझते हैं व्हाट इज अ बॉन्ड सो दिस इज अ बॉन्ड इसमें क्या है एक सर्टिफिकेट है इसमें सब चीज लिखा रहेगा सारा चीज लिखा रहेगा दैट फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा नाम क्या है जोर से बोलो अंशा सो बेसिकली अंशा हैज गिवेन रिलायंस इंडस्ट्रीज लोन ऑफ वन लैख ठीक है पांच साल का लोन है एक साल में फॉर एग्जाम्पल एवरी ईयर द इंटरेस्ट इज सेवन परसेंट पांच साल का लोन है ठीक है ना सो so बेसिकली एक लाख रुपया दिया सात परसेंट पे पांच साल के लिए तो कैश फ्लो इमेजिन कर पा रहे हैं एक बार तुम लोग हम बताते हैं कैश फ्लो क्या होगा पहले समझना कैश फ्लो समझ लो हम लोग घुस गए हैं टॉपिक में तुम लोग को लग रहा है सब बकवास कर रहे हैं आज घुस गए निकलेंगे तीन महीना बाद ठीक है तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इसको हम लोग बोलते हैं कूपन पेइंग बॉन्ड कुपन पेइंग बॉन्ड नाउ व्हाट इज द कुपन पेइंग बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड जिसमें रेगुलर इंटरेस्ट ऑब्लिक कुपन मिलता है एक ऐसा बॉन्ड जिसमें रेगुलर इंटरेस्ट ऑब्लिक कुपन मिलता है उसको बोलते हैं कुपन पेइंग बॉन्ड ट्रेडिशनली क्या होता था ये जो बॉन्ड होता था कुछ मत लिखो कुछ मत लिखो सिर्फ सुनने का पैसा दिया है लिखना था घर पे लिखना को जो लिखना है ठीक है सिर्फ सुनने का पैसा दिया ध्यान सुनो ये देखो यहां पर ट्रेडिशनली क्या होता था पहले अभी तो सब इलेक्ट्रॉनिक हो गया मतलब आपके डायरेक्टली इंटरेस्ट आपके बैंक में क्रेडिट हो जाएगा राइट पहले क्या होता था ध्यान से सुनना इसमें ऐसे एक दो तीन चार पांच सौ कूपन लगा हुआ होता था ठीक है पांच सौ कूपन लगा हुए तो अब ये लोग क्या करता था एक साल हो गया तो ये कूपन फाड़ के कंपनी को देगा तो कंपनी तुमको कितना रुपया ब्याज का देगा एक लाख का सात परसेंट कितना होता है हर चीज के लिए कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा वन लाख का सेवन परसेंट कितना होता है सेवन थाउजेंड तो सेवन थाउजेंड रुपीज कंपनी बोलेगा ये लीजिए आपका एक साल का ब्याज ऑब्लिक कुन तो वो कुन वैसे फाड़ने का जो फील था तो ट्रेडिशनली वो कुन कुप्पन चलते आ रहा है पहले याद है डोमिनोज का जब पिज्जा ऑर्डर करता था उसमें एक वो लगा होता था फैम्फ्लेट और उसमें नीचे में दो दो कुपन रहता था नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने पे दस परसेंट का यार ऐसा होता था ना उसमें तुम डोमिनोज से नहीं खाए कभी उसमें कुप्पन ओ सॉरी तुम लोग में, में दस साल का गैप हो गया ना अभी हम लोग के टाइम पे होता था ठीक है तो मैं तुम इमेजिन कर लो मेरे घर पे होगा तुम लाके दे देंगे तो ठीक तो दिखा है दिखाएं का दिखा देंगे तो ये एक एक करके फाड़ा और दिया इसीलिए ट्रेडिशनली इसका नाम चलते आ रहा है कूपन पेइंग बॉन्ड समझ रहे लॉजिक समझा क्यों ये बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है ये बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है क्या प्रूफ है कि तुम कंपनी को पैसा दिया है समझो पहले का जमाना का बात करते हैं तो क्या प्रूफ था कि तुम रिलायंस इंडस्ट्रीज को आईटीसी को पैसा दिया है ये बॉन्ड वो प्रूफ था कि भाई जब आपको अपना पैसा पांच साल बाद लेना होगा अगर ब्याज लेना होगा तो कूपन फाड़ के देना है और जब पैसा लेना होगा एक लाख रुपए जो दिए थे वो पांच साल बाद जब आपको पैसा लेना होगा तो आप ये बॉन्ड मेरे पास लेके आइएगा और हम आपको पैसा दे देंगे हम कौन कंपनी हम कौन रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है ना हम कौन आईटीसी तो पांच अब जैसे फ्लो सोचो हम कंपनी को कितना दिया एक लाख ठीक है ना फिर कंपनी मेरे को क्या देगा सात हजार सात हजार सात हजार सात हजार और यहां पर देगा एक लाख सात हजार इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको यह समझ में आ रहा है कोपन पेइंग बॉन्ड इसमें सब कुछ लिखा होगा इश्यू डेट क्या है रिडेम्शन डेट क्या है इश्यू डेट का मतलब क्या है जिस दिन ये बॉन्ड इश्यू हुआ रिडेम्शन डेट का मतलब क्या है जिस दिन ये बॉन्ड रिडीम होगा रिडीम मतलब मेरे को मेरा पैसा वापस मिलेगा हम तुम्हारा पैसा से बहुत अच्छा फ्लारिश हो गया मेरा लाइफ ठीक है बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी स्विस बैंक में ग्रीन मनी सब हो गया मेरे पास हम खुशी से हम बोले कि हम रिडीम दस परसेंट प्रीमियम पे करेंगे हम रिडीम दस परसेंट प्रीमियम पे करेंगे इसका मतलब क्या है कि भाई एक लाख रुपए नहीं तुमको एक लाख दस हजार रुपया हम देंगे क्यों क्योंकि तुम्हारा पैसा को यूज करके ही आज हम इतना सक्सेस हुआ ठीक है तो समझ दो सोन हम क्या बोल रहे हैं तो ये सब समझो घर पे अब कभी भी इन्वेस्टमेंट का बात हो पापा बोले ले बेटा पकड़ो पैसा तो नहीं है ले बेटा दस लाख रुपया जा कल बैंक में एफडी करा के नहीं पापा और भी ऑप्शंस हैं अब डिपेंड करता है कि पापा का रिस्क लेवल क्या है मम्मी का रिस्क लेवल क्या है अगर एकदम ही रिस्क एवर्स है तब तो ठीक है पैसा ले लेना बोला पापा आपकी बार एक ट्राई करते दो लाख रुपया हम लोग म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। बाकी आठ लाख का एफडी करते हैं ऐसा भी हो सकता है समझा ना रिस्क कैपिडेट पे डिपेंड करेगा ना या फिर एक काम करते दो लाख रुपए आपके ऊपर कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाते हैं समझ रहे हम क्या बोल रहे बात को ठीक है सो so, <coughs> ये जो होता है ना अब जैसे ये सब बॉन्ड्स का भी ना रेटिंग होता है जैसे आप कभी जब बैंक में कभी जाएंगे तो आ, आपको ऐसा कुछ टर्मिनोलॉजी समझ में आएगा सिविल स्कोर अभी जैसे देखो ना इतना सारा स्पिनी नहीं है जो क्विक कैश जो लिक्विड लोन्स और भी हैं बहुत सारे जो बेसिकली धनी जो धोनी जिसमें ऐड करता है देखता नहीं तुम लोग ऐड टीवी नहीं देखते क्या तुम लोग उसमें क्या होता है दिखाता है वो लिफ्ट में लिफ्ट में चढ़ता है बटन दबाता है जीरो का और कुछ फोन में करता है और नीचे जब तक पहुंचता था तो लोन पास हो जाता है वो ऐसा होता नहीं है बट दिखाया है कि क्विक लोन डिसबर्समेंट होता है आज के दिन पे दो लाख पांच लाख तक का तो वो बेसिकली कैसे होता है आपका क्रेडिट रेटिंग पे होता है कि पहले आपने कितने लोगों से पैसा लिया है और आपने टाइम पे चुकाया है कि नहीं चुकाया है जब ये प्रॉपर्टी आज जब हम लोग बैठे मैं जब इसका लोन लेने गया तो मेरे को पता है क्या बोला आपका लोन पास नहीं हो सकता मैं बोला कि जितना प्रॉपर्टी का वैल्यू है उतना तो मेरा एनुअल इनकम है फिर भी आप मेरे को मजाक कर रहा हूं ठीक है फिर भी आप मेरे को लोन देने से कैसे मना कर रहे हैं तो बोला आपने कभी जीवन में लोन लिया ही नहीं है इतना बड़ा लोन लेने के लिए पहले आपको लोन लेने का प्रैक्टिस करना होगा आपको छोटा छोटा लोन लेना होगा यस द आंसर इज ऐसे ही बोला मेरे को तब पहले मैंने लोन लिया पहले मैं क्रेडिट कार्ड लिया छह महीना यूज किया फिर मेरे को वो लोग समझ रहे आज के पहले क्या होता था एक और एग्जाम्पल सुनो एक्चुअली में तो प्रॉब्लम क्या हो गया है आजकल बहुत रियल लाइफ के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वो लोग देखेगा यूएस में क्रेडिट क्राइसिस हुआ क्यों बैंक मैनेजर लोग जब लोन पास करता है तो वो लोग को एक कमीशन मिलता है मे बी मान लो पॉइंट फाइव परसेंट ठीक है एक करोड़ का लोन पास किया तो पॉइंट फाइव परसेंट मतलब पचास हजार ठीक है तो पचास हजार का कमीशन के चक्कर में वो एक ऐसे आदमी का लोन पास कर दिया जो ई देने के केपेबल के नहीं था लोन तो पास कर दिया इसको बोलते सब प्राइम बोरोवर प्राइम बोरोवर मतलब जिसका हैसियत है जिसका औकात है विंडो ड्रेसिंग किया सारे इनकम टैक्स रिटर्न का और लोन पास कर दिया नहीं पसंद आ रहा तुमको मेरा टीचिंग तुम सर पैसे हाथ रख के रखा है हंसो नहीं पसंद आ रहा तो भी हंसो पैसा दे चुका है तुम यस लाइक इट सो ऐसे आदमी का लोन पास कर दिया यस ऐसे आदमी का लोन पास कर दिया जो ईएमआई देने के कैपेबल नहीं था ठीक <coughs> है लोन तो पास कर दिया अब अल्टीमेटली हुआ क्या ई डिफॉल्ट हुआ बहुत सारे लोगों का ई डिफॉल्ट हुआ और पूरा इकोनॉमी एक, एक तरीके से कोलैप्स हो गया उसमें हाउस प्राइसेस का भी बहुत सारा था बट दैट इज वेरी आगे का इंफॉर्मेशन हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे बट अल्टीमेटली क्या होता है आज के दिन में जब लोन पास कभी हो ही सकता है पापा का बिजनेस में पापा बिजी रहते होंगे मम्मी को कोई लोन चाहिए होगा तो तुमको बोल ही सकता बेटा बैंक जाओ तुम तेरा नदान स्कूल में तो कभी तुमको सिखाया नहीं है चीज कि बैंक में जाके ऐसे ऐसे करना होता है ठीक है तो वो पहले बोलेगा लाइए आईटीआर लाइए है। बोले हैं आईटीआर मींस इनकम टैक्स रिटर्न ठीक है तीन से चार साल पांच साल का पहले आईटीआर मांगेगा बोलेगा आप लोन क्यों ले रहे हैं क्या रीजन क्या भी पैसा जो लेंगे क्या करेंगे दस रकम का सवाल पूछेगा पहले तुमसे उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट लेगा और अगर डॉक्यूमेंट में सब कुछ सही होगा तुम जो भी प्रॉपर्टी लेने वाला है पहले वो बैंक का उसका कागज बैंक के पास रहेगा जब तक तुम पूरा पैसा चुका नहीं देता है सारा टर्म्स एंड कंडीशन पूरा प्रॉपरली लिखा रहेगा कि अगर आप टाइम पे पैसा नहीं दिए तो आपका प्रॉपर्टी हम लोग बेच सकते हैं सब कुछ लिख देगा उसमें ठीक है तो ये सारा चीज होने के बाद में आपका लोन को वो पास करेगा समझ रहे तो आज के दिन पे अगर आपको क्रेडिट एनालिस्ट का जॉब करना है तो वहां पर क्या होगा ना आप पूरा स्क्रीनिंग करते हो सामने वाले का क्रेडिट प्रोफाइल वैसे कॉर्पोरेट में भी होता है कि भाई ये कंपनी के कैश फ्लो देखने पड़ेंगे क्या ये कंपनी के कैश फ्लो हेल्दी है क्या ये कंपनी चोर टाइप का तो नहीं है इसका प्रमोटर बदमाश तो नहीं है कंपनी का एजेंडा क्या है जब तुम लोग देखते हैं शेयर मार्केट शेयर मार्केट शेयर मार्केट में होता क्या है जब कोई कंपनी पहली बार पब्लिक आता है दैट इज आईपीओ उसका मतलब क्या है कंपनी को अपना एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए तो वो लोगों के पास जाता है कि भाई मेरे कंपनी का विजन ये है मेरे कंपनी का मिशन ये है मेरे को पैसा दीजिए मैं आपके पैसे को ऐसे ऐसे करके ग्रो करूंगा राइट ठीक है ना सो दिस इज कूपन पेइंग बॉन्ड ठीक है ओके आगे चलते हैं सो वापस रिवाइज करते हैं, क्या क्या रीजन था तुम बताओ वाई डू वी पे इंटरेस्ट बताओ आई विल नॉट से नलीफाई Because the purchasing power goes down due to inflation and other economic reasons, so we pay something extra to compensate. Reason number one. Next. Opportunity cost. Risk. Risk factor and economics ka isme humne lagaya dimaag. Okay. Now put the heading. Simple interest. Okay. other name hai. दैट इज कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जो लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना इस टॉपिक का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप कुछ भी पढ़ो जीवन में सी ए सी एस एफ आर एम सी एफ एक्चुरियल साइंस एमबीए कुछ भी पढ़ो ये कॉन्सेप्ट से होके गुजरना ही पड़ेगा बट जो डीप डाइव एक्चुरियल साइंस में इसका है और कोई कोर्स में नहीं है बाकी सब कोर्स में ऊपर ऊपर से है यहां तुम समझ भी सकता है और आज के क्लास के बाद तुम सबको सिखा देखा वो देख के आया है कोई मिल गया तुम तो लोग मूवीज देखो हिंदी तब तुम लोग को अच्छा लगेगा तुम तो लोग मेरे एग्जाम्पल से रिलेट कर पाएगा नहीं देखा तुम क्या यार देखना आज रात में ठीक है तो कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट अब देखो हम लोग एक फ्री बनाते हैं सौ रुपया एट द रेट फोर परसेंट कमर्शियल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है तुम जो पैसा डाला उस पर ब्याज मिलेगा ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा ठीक है कंपाउंडिंग नहीं होगा पैसा का एवरी ईयर द इंटरेस्ट अमाउंट विल रिमेन सेम ठीक है सो so, इसका ट्री कैसे बनेगा पहला साल यहां से निकलेगा सौ और चार दूसरा साल निकलेगा सौ और चार और यहां से कोई ब्रांचेस नहीं निकलेंगे समझ रहे क्योंकि खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे ब्याज मिलेगा ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा बोलो ना हां नहीं ब्याज पे ब्याज यहां पर नहीं मिलेगा थर्ड ईयर में वापस से इस सौ से ब्रांचेस निकलेंगे सौ और चार बट यहां से कोई ब्रांच नहीं निकलेगा सो द इंटरेस्ट अमाउंट इज कॉन्स्टेंट और इसीलिए इसका जो हम लोग फॉर्मूला बनाए थे सिंपल इंटरेस्ट इज पीआरटी बाय हंड्रेड प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय हंड्रेड सो बेसिकली जो अमाउंट जो होगा व्हाट इज अमाउंट फ्यूचर वैल्यू अमाउंट का मतलब क्या है फ्यूचर वैल्यू ध्यान सुन तुम बैंक में गया सौ रुपए लेके गया बोला भैया पांच साल के लिए पैसा लगा दीजिए सिंपल इंटरेस्ट पे ठीक है ना तो आज जो तुम पैसा बैंक में डाला दैट इज प्रेजेंट वैल्यू पांच साल बाद जो पैसा मिलेगा दैट इज फ्यूचर वैल्यू मैंने बोला था ना पूरा करिकुलम में सिर्फ दो ही चीज पढ़ाई करेंगे पहला फ्यूचर को सॉरी पैसे को आगे कैसे लेके जाना है कंपाउंडिंग और जो पैसा फ्यूचर में है उसको टान के प्रेजेंट में कैसे लेके आना दिस इज डिस्काउंटिंग बस और कुछ भी नहीं सीखना है हो गया एक थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड का पैसा वसूल जाओ घर यही दो चीज पढ़ाएंगे ठीक है ना सो so, अमाउंट में क्या आएगा एक जो प्रिंसिपल है और एक जो सिंपल इंटरेस्ट है राइट जो पैसा आज डाले उसमें इंटरेस्ट जुड़ा तो मेरा फ्यूचर वैल्यू ऑब्लिक अमाउंट आ जाएगा पहले यहां तक आराम से कॉपी करिए वैसे अगर किसी का छूट जाए कुछ भी लिखना बिखना तो एकदम भी निराश मत होइएगा ये जितना भी सारा दिस इज नैनोटेक ओके तो ये पूरा डायरेक्टली यहां से हम लोग कुछ करना भी नहीं पड़ता है यहां से सीधा आपके फोरम पे अपडेट हो जाएगा ठीक है ना सो इट्स ऑल नाइन ऑट चेक ऐसा नहीं है मतलब ठीक है तो कॉपी हुआ ऑनलाइन में यहां तक सबको ठीक है कोई भी प्रॉब्लम येस नो प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स क्लासेस के जो ड्यूरेशन है वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे जैसे जैसे गर्मी बढ़ जाएंगे क्योंकि दो बजे तुम लोग वैसे भी निकल नहीं पाओगे तो हम कि तुम को धूप के पहले बुलाएंगे एंड धूप के बाद छोड़ेंगे ठीक है मम्मी जो टिफिन बना के देगी हम लोग सब मिल बांट के खाएंगे ठीक है कि नहीं तुम लोग उसमें एक पिक्चर में दिखाता है ना उसका सारा टिफिन खा लेता है ये एक तो है ना नहीं नहीं स्टैंडली का डब्बा नहीं भूतनाथ में तुम लोग ये सब कुछ भी नहीं दिखा है क्या ठीक हाँ। है नाउ विल चेंज सम टर्मिनोलॉजीज सो प्रिंसिपल बिकम्स प्रेजेंट वैल्यू अमाउंट बिकम्स फ्यूचर वैल्यू ऑब्लिक अक्यूमुलेटेड वैल्यू रेट देखो आर सुनो आर बाय हंड्रेड होता है एक्चुअली देखो सिक्स परसेंट इज वॉट सिक्स बाय हंड्रेड विच इज जीरो पॉइंट जीरो सिक्स तो इसको हम लोग लिखेंगे आई विच इज एक्सप्रेस इन decimals. आई विच इज एक्सप्रेस इन decimals. ओके okay. उसके बाद में और क्या था P हो गया R हो गया T. इसको हम लोग बोलेंगे n विच इज नंबर ऑफ इयर्स ठीक है ना सो so, अब मेरा जो फॉर्मूला बनेगा फ्यूचर वैल्यू ऑब्लिक अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू पीवी प्लस पीआरटी बाय टी हंड्रेड था ना पीआरटी बाय टी हंड्रेड था पीवी वी इंटू एन इंटू आई ये किसको नहीं समझ में आया आर बाय हंड्रेड को मैंने आई लिखा है ठीक है एन इज टी सो क्या कॉमन आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस एन आई ज इक्वल टू एवी सो अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस एनआईज का होमवर्क कैलकुलेटर का पूरे टिटोरियल देखेगा ठीक है ना आगे का थोड़ा धीरे धीरे करके क्लास देखो सो अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस एन आई ठीक है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू सबको समझ में आ रहा है यहां तक सो सिंपल इंटरेस्ट वो कमर्शियल इंटरेस्ट वो जिसपे जिसमें क्या ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है अगर ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा कंपाउंड ऑब्लिक इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है यह सबको समझ आ रहे हैं एक छोटा सा एग्जांपल करा दे रहे हैं वन हंड्रेड इन्वेस्टेड फॉर फाइव इयर्स एट परसेंट एस ठीक है So, ये मेरा हो गया प्रेजेंट वैल्यू सो मेरा अक्यूमुलेटेड वैल्यू क्या बनेगा हंड्रेड वन प्लस फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यही हम लोग देखेंगे कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे तो ये जो n जो है वो पावर में चला जाएगा ठीक है गिला हुआ समझ में आया नो आयुष द होल स्लाइड पीपीटी विल बी गिवेन टू यू पोस्ट क्लास इट विल बी अपडेटेड इन क्यू फोरम्स अंद क्लास पीडीएफ सेक्शन ठीक है आइए कंपाउंड इंटरेस्ट effective rate of interest, effective rate of interest. So आइए, so 100 is invested at the rate 4%. अब branches निकलेंगे 100, 4, फिर वापस से 100, 4 और यहाँ से 4, 4 into 0.04 and so on. क्योंकि आप क्या होगा अब ब्याज पे भी ब्याज मिलना चालू हो जाएगा राइट जब ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस और नो कैलका का कोई भी बच्चा अगर हम देखें ऑनलाइन से क्लास कर रहा है तो उसी समय निकाल देंगे ठीक है कैलकटा से जो भी है उसको फिजिकल क्लास आके करना इज मैंडेटरी यस सर आप एडमिशन के टाइम पे तो कुछ और बोले थे सॉरी ठीक है ठीक है समझ में आ रहे हैं यहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े थे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर बाय हंड्रेड होल्ड टू पावर टी यही पढ़े थे हा कि ना अब सिंबल्स चेंज कर देते हैं तो सिंबल चेंज करने से क्या हो जाएगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आई टू दी पावर एन सेम वहां पर जो एग्जांपल लिए थे 100 rupees is invested, five years, 8% compound interest. So, what will happen? 100 1.08 to the power five. में आ रहा है सबको बोलो बोल भाई इंस्टीट्यूट को बेस पसंद है ठीक है ना सो so, तो अगर अगर आप कुछ भी नहीं पूछते हैं तो आपका सवाल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन होगा ठीक है और एग्जाम में बैठे बैठे फिर याद आएगा काश मैं सर से ये चीज क्लास में पूछ लेता ठीक है तो बी फ्री एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स ओके ऐसे खास में कुछ फर्क पड़ता नहीं है ठीक है सो ये वाला है ये टेक्नोलॉजी थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है ठीक है सो ये वाला आपने कॉपी कर लिया ठीक है थीके? अब जैसे कि आगे बढ़े अब जैसे कि हमने कूपन पेइंग बॉन्ड पढ़ा कुपन पेइंग बॉन्ड का मतलब क्या है एक ऐसा लोन अग्रीमेंट जिसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट होगा एंड टर्म के एंड पे पैसा जो दिए वो वापस मिल जाएगा करेक्ट है एक टर्मिनोलॉजी है जीरो कुपन बॉन्ड वाह एक ऐसा बॉन्ड जिसमें द नंबर ऑफ कुपन ऑब्लिक रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट इज जीरो अरेंजमेंट कैसा होगा ध्यान देना ये जीरो है ये बीस साल है यहां एक लाख रुपया देगा कंपनी जो आज कंपनी को पचास हजार रुपया देगा कंपनी क्या बोलता है आने वाला बीस साल हम पूरा एक्सपेंशन फेज में रहेंगे मेरे पास में रेगुलर इंटरेस्ट देने के लिए पैसा नहीं है कि समझो तो क्या होता है इस टाइप के बॉन्ड में रेगुलर इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन क्या ये फायदेमंद है कि नहीं है फायदेमंद है क्योंकि मेरे को क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा फिफ्टी थाउजेंड बट क्या वो रेगुलर मिल रहा है कि एक बार में मिल रहा है एक बार में इसीलिए इसको हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं या फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं सो दीज बॉन्ड्स कुछ मत लिखिए मैं बोल रहा हूं बाबा कुछ मत लिखिए सुनो सुनने का पैसा दिया है ठीक है लिख पढ़ घर पे घर पे करना सब कुछ मैट दिया है मोर देन सिक्स थाउजेंड है तुम लोग का क्या माइंडसेट है सर हार्ड कॉपी नहीं दिए पैसा बचा लिए द आंसर इज नो वो एक रीजन है बट सस्टेनेबिलिटी पहला बात बोलकर कोई चीज होता है क्योंकि देखो जैसे यहां पर रखा हुआ ना सारा किताब कुछ काम में नहीं आएगा क्योंकि सारा क्लास में लिखवा देंगे पहला बात दूसरा है सस्टेनेबिलिटी की भाई इतना प्रिंट करके कोई मतलब नहीं है और तीसरा है डे वन से ऑनलाइन पे ध्यान दो जो पैटर्न है उसमें ढलना पड़ेगा जी समझो जो पैटर्न है उसमें ढलना पड़ेगा एग्जाम में भी तुमको कंप्यूटर में ही करना है ऑल्ट ऑल्ट करके समझ रहे ना टैप चेंज करके तुम लोग करना है तो वही पैटर्न में हम लोग डे वन से आएंगे दैट इज वाई वी आर द बेस्ट ठीक है सो थिंक अबाउट सस्टेनेबिलिटी क्योंकि हम लोग पहले कराते थे एंड आफ्टर थ्री फोर पेपर्स ऐसा होता था कि ये मैट का क्या करना है कभी आप काम में तो लिए नहीं ठीक है तो वो चीज कुछ फायदा नहीं होता सबसे मेन क्लास नोट्स पे ही ध्यान देना इसीलिए भी स्टार्टेड गिविंग दिस पीडीएफ ये भी आप तुम लोग देखो आज ग्यारह पे है पचास तक जाएगा ये तो डेली ऐसे ऐसे करके देंगे तो कितना प्रिंट है देने को ठीक है तो अब देखो जैसे ये जो पचास हजार एक्स्ट्रा जो मिल रहा है ये क्या हो रहा है दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड एट अ पार वैल्यू सॉरी दीज बॉन्ड्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम एट पार तो ये इश्यू होगा तुम्हारा डिस्काउंट पे और रिडीम होगा तुम्हारा पार पे ठीक है क्या होता है देखो एक बॉन्ड एक सर्टिफिकेट है इसमें लिखा रहेगा जिसके पास ये बॉन्ड होगा 20 साल बाद उसको हम एक लाख रुपया देंगे और आज किसी को यह बॉन्ड मेरे से चाहिए तो पचास हजार रुपया दो और यह बॉन्ड लेके जाओ समझ गया ना तो इस बॉन्ड में लिखा है द होल्डर ऑफ दिस बॉन्ड आफ्टर ट्वेंटी इयर्स विल गेट हाउ मच वन लाख तो पार वैल्यू फेस, वैल्यू फेस वैल्यू फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है जो लिखा होता है जैसे सौ रुपए का नोट है उसका फेस वैल्यू कितना है हंड्रेड बट क्या उसका इंट्रेंसिक वैल्यू उतना है नो no. इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कितना रुपए का मटेरियल उसमें यूज हुआ है ठीक है इस पे एक कहानी तुम लोग सुनाते हैं वी आर वेरी क्लोज टू बांग्लादेश जो पहले का जो होता था कभी घर पे टाइम मिले बहुत भारी भारी होता था वो सारे मार्केट से गायब होने लग गए दो रुपए का भारी कॉइन होता था पांच रुपए का भारी कॉइन होता था अभी एकदम पतला पतला कॉइन्स आने लग गया क्या होता था दो रुपए का कॉइन का फेस वैल्यू कितना है दो रुपया बट उसका इंट्रेंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा था तो क्या होता था वो सारा स्मगल होकर जाने लगा बांग्लादेश वहां पर स्मगलिंग कराया जाता था उसका स्मेल्टिंग बेसिकली उसको करके उसका ब्लेड बनता था ब्लेड का मार्केट वैल्यू आता था तीन ब्लेड बना तो छह रुपया चार रुपया ऐसे करके समझ रहा है तो गवर्नमेंट देखा सारा कॉइंस इकोनॉमी से गायब हो रहा है एंड अल्टीमेटली पकड़ा फिर इसको चेंज किया एंड नया वाला जो पतला वाला जो कॉइन वो सब लाया ठीक है तो ये समझना पड़ेगा फेस वैल्यू इसका कितना है एक लाख मैंने जो ये बॉन्ड को होल्ड करेगा उसको कितना मिलेगा एक लाख रुपया उसको मिलेगा ठीक है बट आज ये कितना में मिल रहा है तो इसलिए डीप डिस्काउंट पे मिलता है। तो अब हम लोग डिस्काउंट रिलेटेड टर्म समझेंगे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू अब बताना अक्यूमुलेटेड वैल्यू ज्यादा होगा कि प्रेजेंट वैल्यू पहले तो यह बताओ अक्यूमुलेटेड वैल्यू सर ऑब्वियस है ऑब्वियस है ना सर ठीक है सो अक्यूमुलेटेड वैल्यू से कुछ माइनस होने का फील आएगा तब जाके मेरा क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू किस किस चीज पे किस किस फैक्टर पे वो डिपेंडेंट होगा एक है तुम्हारा नंबर ऑफ इयर्स एंड दूसरा है तुम्हारा डिस्काउंट रेट सो वन माइनस एनडी इन टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू विल गिव मी द प्रेजेंट वैल्यू एब एक छोटा सा एग्जाम्पल एक लाख रुपया का बॉन्ड है एक लाख रुपया का बॉन्ड है सिंपल डिस्काउंट एक लाख रुपया मेरा हो गया फेस वैल्यू ठीक है फेस वैल्यू का मतलब यहां पर क्या आ जाएगा क्यूमुलेटेड वैल्यू सिंपल डिस्काउंट का जो रेट दिया है आठ परसेंट का एंड एंड मेरे को दे दिया है दस साल एंड मेरे को दे दिया दस साल तो आज बॉन्ड का प्राइस कितना होगा प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा तुम बोलेगा यस yes, तुम तुम्हारा नाम क्या है जोर से बोलो रौनक सिंह बोलो क्या होगा इसका आंसर क्वेश्चन ये है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एक लाख हम टेन इंटू जीरो पॉइंट जीरो एट एक्सीलेंट कितना आ रहा है बता सकता है पॉइंट एट का फैक्टर वन माइनस बीस हजार रूपयेगा लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा आज एक हैबिट डेवलप किया उसको रेगुलरली पांच साल तक प्रैक्टिस किया तब देखना पांच साल बाद क्या करियर बनेगा एक डिग्री का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है लाइफ में वो जीवन भर तुम्हारे साथ रहेगा तुमको तो कभी भूखा सोने नहीं देगा ये बात याद रखना कोविड आया जिस कोविड प्रूफ कोर्स कोविड में हम लोग का डिमांड पांच गुना बढ़ गया ठीक है ना सो एंड यस विद टाइम वी नीड टू अपग्रेड आर मैं तुम लोग को बताते रहूंगा बी अपडेटेड इन अवर सोशल मीडिया चैनल्स जहां पर हम लोग रेगुलर बेसिस में पॉडकास्ट इंटरव्यूज करते हैं लिसन टू देम कि वो लोग क्या बोल रहे हैं क्या इन लाइन है व्हाट इज इन ट्रेंड क्या दरकार है क्या नहीं दरकार है प्रिंसिपल्स उसको फॉलो करके तुम लोग को भी वहां पर पहुंचना है ठीक है ना लाइफ में स्ट्रेस नहीं लेना है कभी भी लाइफ में सो so, स्ट्रेस अगर हो रहा है तो हमारे क्यू फोरम पे हमने एक टैब बनाया टॉक टू प्रवीण सर बोल के ठीक है उसमें क्लिक करके टिकट रेस करना मैं आप लोग को कॉल कर लूंगा ठीक है स्ट्रेस अगर कभी भी लाइफ में हो तो ठीक ऐसा नहीं कि कुछ भी घर में इश्यू हो गया छोटा सा सर बताइए ऐसा नहीं होता है रात में बारह बजे फोन करेगा सर डर लग रहा है मतलब तो तो ऐसे पढ़ाई नहीं हो रहा होगा सर बताइए ना डर लग रहा है सर मैं सोने ही जा रहे थे सर डर लग रहा है तो ऐसे तो झगड़ा हो गया गर्लफ्रेंड से डर लग रहा है ऐसे सर ऐसे मतलब एक दिन ऐसे ही भैया गाइड करिए ना क्या करिए एकदम मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में ठीक है ठीक है ऐसे कर सकता है बहुत ज्यादा कुछ हो जाए तो बोल देना ठीक है सो so ये बेसिकली सिंपल डिस्काउंट का मैंने यहां पर बनाया यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत हां ये एकदम क्लियर है सबको कल तक मेरा सब्जेक्ट क्या था बताओ कल तक आपका सब्जेक्ट क्या था अक्यूमुलेटेड वैल्यू कल मतलब कल मतलब क्या कल मतलब यहां पर देखो ये रहा ये है कल ये है अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकाल रहे थे मतलब पैसा को बोलो ना आगे लेके जा रहे थे कंपाउंड कर रहे थे अभी आज क्या हो गया है अभी आज क्या हो गया है अभी हम लोग टान रहे पैसा को टान रहे हैं तो भी। आप क्या बोलेगा जो आज मेरे को बीस हजार देगा उसको हम दस साल बाद कितना रुपए देंगे एक लाख ठीक है ना दिस इज सिंपल डिस्काउंट इसका अदर नेम इज कमर्शियल रेट ऑफ डिस्काउंट ठीक है ना अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे कंपाउंड डिस्काउंट इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट ठीक है कंपाउंड डिस्काउंट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इसका जो फॉर्मूला बनेगा अगेन प्रेजेंट विल बिकम माय सब्जेक्ट अक्यूमुलेटेड वैल्यू वन माइनस डी होल टू दी पावर एन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू येस और नो बोलिए बोलिए ठीक है अब एक एग्जाम्पल हम लोग करेंगे सो अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज टू लैक्स टू लैक्स डी इज सेवन परसेंट एन इज फिफ्टीन आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. Yes, you. हाँ. ये सू सामने उसको बुलाओ हा इसका आंसर बताइए टू लैक्स वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो सेवन टू दी पावर फिफ्टीन कितना आ रहा है कोई बताएगा मेरे को सिक्सटी सेवन और दो तीन डेसिमल पांच से छह डेसिमल प्लेस में सब लोग काम करेगा वेरी गुड ठीक है तुम लोग एक दिन में कैलकुलेट करेगा करोड़ों रुपए का रिजर्व लाखों करोड़ों रुपए का तुम लोग काम करेगा उसमें पॉइंट में भी फर्क हो गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा ठीक है सो so ये हमने चार चीज अभी तक पढ़ा यहां तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम ठीक है खूल एवरी वन यस ठीक है ना ओके okay. तो हमने सबसे पहले पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट जिसपे ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता है फिर हमने पढ़ा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें ब्याज पे ब्याज मिलता है एन चला गया पावर में फिर हमने सीखा जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड विच इज इश्यूड एट अ डिस्काउंट बट रिडीम्ड एट पार पार मतलब क्या होता है फेस वैल्यू बॉन्ड पे कितना लिखा हुआ ना व्हाट इज अ बॉन्ड बॉन्ड इज अ लोन अग्रीमेंट एक सर्टिफिकेट जिसमें सारा लोन का डिटेल्स मेंशन है इट एक्ट एज अ प्रूफ ठीक है काउंटर पार्टी डिफॉल्टिंग हो सकता है फॉर एग्जाम्पल तुम गया कंपनी के पास मेरा पैसा पैसा कैसा पैसा तो वहां पर तुम बोलेगा ये देखिए उसके मुंह पे मारेगा ये देखिए ठीक है लाइए मेरा पैसा बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वन मोर थिंग इज दैट मेल पे काम करना हम लोग को आना चाहिए ठीक है व्हाट्सएप इज इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग मेल इज वेरी फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेटिंग आगे जाके तुम लोग कोई भी काम करता है जैसे मान लो घर पर कभी डिस्कशन हो रहा है पापा बोले उससे व्हाट्सएप पर कंफर्मेशन ले ले तो बोले नहीं उनको बोले मेल करेंगे समझ लेल से क्या होता है ना मेल को कोई डिलीट नहीं कर सकता है मेल का कुछ नहीं हो सकता मेल भेज दिया मतलब भेज दिया समझ रहे ना हो सकता है सामने वाला अपना आईडी से डिलीट कर दे लेकिन तुम्हारा आईडी का वो डिलीट नहीं कर सकते दैट इज मेल इज दी मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग फॉर्मल थिंग्स ठीक है ना सो दिस इज इट ओके नेक्स्ट सो एक होता है ए एफ दिस इज अक्यू म्यूलेशन फैक्टर सो थोड़ा पीछे चलते हैं लाइफ में ठीक है ये जो है ना एक ऐसा जरिया जो प्रेजेंट वैल्यू को अक्यूमुलेटेड वैल्यू में कन्वर्ट कर दे एक ऐसा वो माध्यम द मीडियम टू कन्वर्ट प्रेजेंट वैल्यू accumulated अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज नोन एज अक्यूमुलेशन फैक्टर हिंदी में समझाइए मेरा पैसा कितना गुना हो गया ऑन एन एवरेज इंडिया में पैसा पांच से छह साल में डबल हो जाता है ठीक है so, सो बेसिकली हम आज सौ रुपया लगाएंगे सामने वाला हम उससे पूछे बताओ पैसा डबल कब होगा बोला सर छह साल में पैसा आपका डबल तो बेसिकली माई अक्यूमुलेशन फैक्टर विल बी टू समझा अक्यूमेशन फैक्टर का मतलब क्या है पैसा कितना गुना हो गया पैसा कितना गुना हो गया मतलब हाउ मेनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन ठीक है सो दिस इज दी अक्यूमुलेशन फैक्टर केस ऑफ बोलो बोलते रहो दिस इज दक्यूमुलेशन दिस इज नॉट अ स्कूल क्लास ओके सो यू नीड टू स्टे की स्टे हाइड्रेटेड पानी बिलाओ पानी तो, दो तो पीछे दे दो पानी पियो तुम लोग यू नीड टू स्टे हाइड्रेटेड एंड अटेंटिव ठीक है ऐसे मतलब एसी चल रहा है हल्का हल्का ऐसे धुम नहीं ठीक है वैसे नहीं हो सकता है ठीक है और समझो सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी तो तुम ये हम बता रहे थे तुम लोग नींद में ऐसे चला गया फिर देखा उठा रही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तो वो चीज नहीं होना चाहिए ठीक है ध्यान देना एकदम सो so ये जो है ये क्या है दिस इज दी अक्यूमुलेशन फैक्टर ठीक है दिस इज दक्यूमुलेशन फैक्टर तो वन प्लस एन आई इज दुम क्या लिख रहे सुनो दिस इज अक्यूमुलेशन फैक्टर इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ठीक है सो कॉपी में देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या हो जाएगा वन प्लस आई होल्ड टू दी पावर एन ठीक है उसके बाद में उसके बाद में इसका नोटेशन पे ध्यान देंगे नोटेशन है इसका ए जीरो टू एन मतलब हाउ मेनी टाइम्स हाउ मेनी टाइम्स माय फंड हैज ग्रोन ठीक है फ्रॉम टी इज इक्वल टू जीरो टू टी इज इक्वल टू एन क्यूमलेशन फैक्टर फ्रॉम जीरो टू एन का मतलब क्या मेरा पैसा कितना गुना हो गया ठीक है वन मोर थिंग इज डी एफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ठीक है सो so, इसका नोटेशन है छोटा वी जीरो कॉमा एन सो दिस इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम एन टू टाइम जीरो डिस्काउंटिंग फैक्टर फ्रॉम टाइम एन टू टाइम जीरो माने टाइम एन पे जो पैसा है उसको टान के जीरो पे लाने का जो जरिया है दैट इज व्हाट वी जीरो टू एन लिखते जीरो टू एन है बट हो क्या रहा है एन से पैसा पुल बैक होके जीरो पे आ रहा है एन से पैसा पुल बैक होके जीरो पे आ रहा है ठीक है एक और चीज देख लो प्रेजेंट वैल्यू इनटू अक्यूमुलेशन फैक्टर इज वॉट अक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वॉट प्रेजेंट वैल्यू सो अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो यहां पर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है ये मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है एक और पेज पीछे जाएंगे तो ये मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर है क्योंकि अक्यूमुलेटेड वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? अरे बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग कुछ भी प्रेजेंट वैल्यू ठीक है अब एक चीज देखो मैंने बोला प्रेजेंट वैल्यू इनटू अक्यूमुलेशन फैक्टर इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू एक काम करो सो so इस वाले से मैं क्या लिख सकता हूं एवी इज वॉट पीवी बाई डी अब इसको यहां पर डाल दो सो पी वी इंटू ए एफ इज वॉट पी वी बाय डीएफ पीवी पी वी कट पीवी कट जाएगा तो क्या बचेगा अक्यूमुलेशन फैक्टर इज वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर सो देर इज अन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन अक्यूमुलेशन फैक्टरेशन फैक्टर देर इज अन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू ठीक है दिसडन प्रिंसिपल हम लोग को ध्यान देना होगा कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है बोलो बेटा बोलो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है ठीक है इस वीक में फ्राइडे सैटरडे भी क्लास है ठीक है शेड्यूल में आया नहीं है बट हम डाल देंगे ठीक है विल कीप द टाइम कंसिस्टेंट आधा घंटा पहले आओ क्योंकि घर से जल्दी निकलोगे तो धूप नहीं मिलेगा मेट्रो में भीड़ नहीं मिलेगा बस में भीड़ नहीं मिलेगा ठीक है so, सो आधा घंटा जल्दी आओ स्टे रिलैक्स थोड़ा रिवाइज करो पहले का तो क्लास में क्या इंटरेस्ट डेवलप होगा ठीक है अब ध्यान देना हम एक समरी बनाएंगे हम एक समरी बनाएंगे यहां पर कि आज हमने क्या पढ़ा क्लास खत्म नहीं हो रहा ठीक है ना नहीं बहुत लोग क्या होगा समरी तो छोड़ो बैक पैक चालू एक जो पास पेपर्स का जो बुक है ना वो नेक्स्ट क्लास से सब लोग को कैरी करना है ठीक है जब लैपटॉप लाएगा तो लैपटॉप में ही तुम्हारा सब चीज आ जाएगा चीज समझो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं नहीं तो क्या अलग अलग बुक्स लाना होगा टेबल्स बुक जो है अच्छा बहुत लोगों ने टेबल्स बुक नहीं मिला होगा एक पतला सा बुक है तो वो घर पे जाके देखना अगर किसी को टेबल्स बुक नहीं मिला फॉर्मूला एंड टेबल्स बुक तो वो बताना हम लोग कल दे देंगे ठीक है एक बार घर पे जाके चेक करना और दूसरा चीज ये है कि जो लोग भी लैपटॉप लाएगा तो ई कॉपी में सब कुछ है तो लैपटॉप से तुम लोग सारा सम्स वगैरह भी कर सकते हैं प्लग पॉइंट है और एल्स यू नीड टू कैरी टू बुक्स पास पेपर्स का बुक एंड टेबल्स बुक ठीक है ना ओके या सो पर्टिकुलर्स में आपने क्या क्या पढ़े सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल डिस्काउंट एंड कंपाउंड डिस्काउंट हमने ये चार चीज पढ़ा अब ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है सिंपल इंटरेस्ट का मतलब है जब ब्याज पे ब्याज नहीं चढ़ता है तो सिंपल इंटरेस्ट के, के केस में अक्यूमुलेशन फैक्टर हमने क्या बनाया था वन प्लस एनआई कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमने अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बनाया था वन प्लस आई होल्ड टू दी पावर एन अभी जस्ट हमने पढ़ा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वन बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या बन जाएगा वन प्लस एन आई टू दी पावर माइनस वन विच इज वन बाय वन प्लस एन आई यहां पर क्या बन जाएगा वन प्लस आई होल्ड टू दी पावर माइनस एन बेसिकली वन बाय कर दिए वन बाय कर दिए तो मेरे को क्या मिल जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर नाउ सिंपल डिस्काउंट के केस में पहले मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर वाले कॉलम में लिखूंगा विच इज वन माइनस एनडी तो मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या बन जाएगा वन माइनस एन डी टू दी पावर माइनस वन यहां पर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर आएगा वन माइनस एनडी और यहां पर मेरा आएगा वन माइनस एनडी टू दी पावर माइनस वन बेसिकली अक्यूमुलेशन फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर का मतलब क्या है एक रुपया के हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है अगर एक रुपया लगाएंगे तो कितना अक्यूमलेट होगा वन प्लस एन आई कितना अक्यूमुलेट होगा वन प्लस आई टू दावर एन एक रुपया फ्यूचर में है टान के उसको जीरो पे लाना है तो वन माइनस एनडी और एक जो कंपाउंड डिस्काउंट के केस में विच इज वन माइनस डी टू दी पावर एन वन माइनस डी टू दी पावर माइनस एन तो ये बेसिकली हमने एक पूरा समरी बना दिया हमने जो आज चार फॉर्मूलाज किए हैं ठीक है ना यहां तक किसी को कोई भी इधर ध्यान दो ठीक है ये सबको क्लियर है दिस समरी ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक है ये सबको क्लियर है एकदम ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉपी कर लो तुमको डाउट हो रहा है ठीक है ठीक है ये वाला सबको नेक्स्ट राइट द हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ठीक है ध्यान देना देखो आपसे ना सब जगह पे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का ही हम लोग यूज करेंगे अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफिकली मेंशन मैं मुंह से बोलूंगा क्या बोलूंगा सिंपल कमर्शियल ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा तो उसमें जाना है वन द माइंड सेट इज ऑफ क्या एफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है ना ओके okay. सो so, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा यह जीरो है ये फोर है ये नाइन है एंड वी हैव फिफ्टीन है फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना यहां मैंने लगाया एक सौ रुपया वो यहां दो सो हो गया वो यहां चार सौ हो गया और वो यहां uh, चार सौ का बारह सो हो गया तो बेसिकली यहां से यहां मेरा पैसा कितना गुना हो गया दो गुना फिर यहां से यहां दो गुना फिर यहां से यहां तीन गुना सो so बेसिकली मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर जीरो से फोर का क्या बनेगा टू मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर फोर से नाइन का क्या बनेगा टू मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर नाइन से फिफ्टीन का क्या बनेगा थ्री मेरा अक्यूमुलेशन फैक्टर जीरो से फिफ्टीन का क्या बनेगा ए जीरो से फोर इंटू ए फोर से नाइन इन टू ए नाइन से फिफ्टीन ठीक है इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है अक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन बिटवीन कैन बी मल्टीप्लाइड इन बिटवीन द अक्यूमुलेशन फैक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड ठीक है सो ए जीरो टू फोर ए फोर टू नाइन ए नाइन टू फिफ्टीन या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं टू इंटू टू इंटू थ्री विच इज वॉट ट्वेल्व टाइम्स हा जीरो से लेके पंद्रह में बारह टाइम्स ही तो हुआ है बारह गुना ही तो हुआ है ना सौ रुपये लगाए पंद्रह साल बाद कितना निकाले बारह सो तो कितना गुना हो गया मेरा पैसा ट्वेल्व टाइम्स कितना गुना हो गया मेरा पैसा अक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन बिटवीन कैन बी मल्टीप्लाइड बट एक चीज ध्यान में रखना यहां पर मैं इन टू क्यू कर पा रहा हूं बिकॉज दिस इज एफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू ठीक है यही सेम चीज हम लोग डिस्काउंटिंग में भी कर सकते हैं अगर वर्ड इफेक्टिव होगा तो ही हम लोग यही चीज को डिस्काउंटिंग में भी कर सकते हैं ठीक है कॉपी कर लीजिए इसको आज से डेली घर पे जाके बेसिक एक्सेल का वीडियोस देखना है ठीक है जो बेसिक एक्सेल है उसका वीडियोस देखना है डेली होमवर्क देंगे और डेली करके आना है होमवर्क को बेसिक एक्सेल देखना चालू करो एक एक क्लास करके बेसिक एक्सेल का देखेगा तो जाके वीकेंड तक पूरा बेसिक एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा फिर बेसिक एक्सेल का एक डाउट क्लास रखेंगे ठीक है स्टैट्स बेसिक का भी सारा लाइव क्लास होगा तो वो सारा कर लेगा ठीक है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक पूरा अच्छे से करा देंगे मतलब जो पेपर सी एस वन है एस वन का पेपर का ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट पूरा एकदम अच्छे से करा देंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है ना ठीक है यहां तक सबको ठीक है ओके अब एक सम करेंगे इसके बेसिस पे सो so बेसिकली हम लोग को ए जीरो टू फोर दिया हुआ है टू पॉइंट टू और हम लोग को ए जीरो टू टू दिया हुआ है वन पॉइंट वन तो मेरे को यह बताना ए टू टू फोर क्या होगा ए टू टू फोर कैसे निकालेंगे ध्यान देना हम लोग करेंगे ए जीरो से टू इन टू ए टू से फोर इज ए जीरो से फोर सो वन पॉइंट वन इंटू ए टू से फोर इज टू पॉइंट टू सो ए टू से फोर कितना आ रहा है बताइए आ रहा है क्या समझा कैसे करके करना है एक और चीज देख लो तुम लोग ए जीरो टू सेवन दे दिया है टू पॉइंट नाइन ए जीरो टू सिक्स दे दिया है टू पॉइंट वन ए सिक्स टू सेवन निकालना है तो क्या इक्वेशन बनाएंगे ए जीरो टू सिक्स इन टू ए सिक्स टू सेवन इज वॉट ए जीरो टू सेवन सो ए सिक्स टू सेवन इज वॉट बताइए टू पॉइंट नाइन बाइ टू पॉइंट वन कितना आ रहा है क्लियर है सबको ये वाला कैसे सॉल्व करेंगे इन बिटवीन ठीक है ए टू से फोर का मतलब क्या है टाइम टू पे जो पैसा लगाया टाइम फोर तक में वो कितना गुना हो गया ठीक है ओके okay. अब जैसे प्रेजेंट वैल्यू है डॉलर्स वन थाउजेंड एन मेरे को दे दिया है फाइव इयर्स ठीक है मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना है सबसे पहले मेरे को दिया है सिंपल डिस्काउंट एट परसेंट फिर मेरे को दिया है कंपाउंड डिस्काउंट नाइन परसेंट फिर मेरे को दिया है सिंपल इंटरेस्ट फाइव परसेंट और फिर मेरे को दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट टेन परसेंट सो सबसे पहला बहुत सिंपल है ठीक है जो फॉर्मूला शीट में दिए उससे नहीं भी सोच के नॉर्मली भी सोचोगे तो भी आंसर मिलेगा कैसे ध्यान से सुनना ठीक है so, सो हम लोग क्या करेंगे सिंपल डिस्काउंट के केस में प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट अक्यूमुलेटेड वैल्यू वन माइनस एनडी यही फॉर्मूला था हम लोग का यही फॉर्मूला था हम लोग का क्या अनोन है यहां पर एवी अनोन है तो मैं क्या लिखूंगा वन थाउजेंड डिवाइडेड बाय वन माइनस फाइव इंटू कितना है बताओ बस सॉल्व कर लेंगे तो मेरा ए भी आ जाएगा और इसी को तो मैंने लिखा था वन बाय वन माइनस एनडी था राइट विच इज वॉट वन माइनस एनडी टू दी पावर माइनस वन समझ में आ रहा है सॉल्व करिए इसको सिमिलरली हम लोग कंपाउंड डिस्काउंट वाले का भी कर सकते हैं तो कंपाउंड डिस्काउंट वाले का कैसे करेंगे तुम बताओ सिंपली फॉर्मूला लिखो सबसे पहले कंपाउंड डिस्काउंट का प्रेजेंट वैल्यू इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू वन माइनस डी टू पावर एन ठीक है सो हम लोग को यहां पर क्या दिया है वन थाउजेंड होल डिवाइड बाय वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन होल टू पावर फाइव इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू स्लोली स्लोली पूरा सॉल्व करो स्टेप स्टेप तोड़ तोड़ के और कभी अगर कैलकुलेटर में फ्रैक्शन में आ जाए तो एस जी वाला बटन दबा देना ये देखो जैसे तुम लोग ये कैलकुलेटर में कभी कभी काम करेगा ना सो थ्री डिवाइड फाइव ये देखो महान कैलकुलेटर थ्री बाय फाइव तो ये एस जी वाला बटन है एक देखो ये एस से डी इसमें टिपेगा तो ये आ जाएगा ठीक है कॉस के नीचे है ठीक है कैलकुलेटर का ट्यूटोरियल देख लेगा तो कल से कैलकुलेटर में महारथी बन जाएगा एकदम तो. ठीक है सो वन थाउजेंड बाय वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन टू दावर फाइव इज वॉट अक्यूमुलेटेड वैल्यू ठीक है हुआ ये वाला बोलो हां कि ना सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को दिया पांच परसेंट तो हम लोग करेंगे वन थाउजेंड वन प्लस फाइव इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग को कितना दिया है दस परसेंट तो हम लोग करेंगे वन थाउजेंड वन पॉइंट वन टू फाइव अब बताओ चारों आंसर्स कितना कितना आ रहा है नंबर वन का आंसर कितना आ रहा है पहले तो ये बताओ पहले वाले का आंसर कितना आ रहा है बताओ यहां से चालू करेंगे यस थर्ड बेंच यस यू फर्स्ट वाले का आंसर बताइए वन सिक्स 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 वन सिक्स 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 पॉइंट सिक्स 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 इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू नहीं आया एक तेरा नहीं आया करो कैसे क्यों नहीं आ रहा है ठीक है सेकेंड वाला बोलो पिंक यस yes. ठीक है थर्ड क्यों अच्छा ठीक है तुम बोलो ठीक है थर्ड वाले का वन टू फाइव जीरो फोर्थ वाले का क्या ठीक है कल से क्लास में एंट्री टाइम पे चेकिंग होगा कॉपी पेन कैलकुलेटर एंड दो किताब बोला है पास पेपर्स वाला एंड टेबल्स बुक ये सब लेके आएगा ठीक है हाँ यस और टिफिन बॉक्स बोलो कितना आ रहा है लास्ट वाला वन सिक्स वन जीरो पॉइंट फाइव वन यस प्रशिता यो करेक्ट हुआ अब हम आएंगे राउंड पे चारों सही आया दिक्कत हो रहा है किसको प्रॉब्लम हो रहा है जल्दी बोलो तुमको किसको प्रॉब्लम हो रहा है जल्दी बोलो ए बनाया प्रॉब्लम हो रहा है ठीक है देखें बनाई पूरा ठीक है कॉपी क्या कैलकुलेट करना है बोलो पॉइंट जीरो नाइन टू तो कभी आएगा नहीं वन पॉइंट जीरो नाइन कुछ जीरो पॉइंट जीरो नाइन के पावर में तो कुछ भी नहीं है बोलो तुम मेरे को वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन ये आ गया टू दी पावर ये वाला हाँ क्या है बताओ लेकिन गलत आ रहा है ये पूरा बताओ मेरे को क्या है दो मेरे को दो कॉपी दो ना ये गलत की हो तुम ये एक मिनट ये कितना नंबर है सेकेंड वाले में हम्म हम्म दो में को दो हम बता रहे हैं पूरा आ जाएगा एक बार में देखो ये वन थाउजेंड ये डिवाइड का सिंबल फिर ब्रैकेट ओपन वन माइनस पॉइंट जीरो नाइन ब्रैकेट क्लोज टू द पावर फाइव बोल पूरा एक बार में आएगा ब्रैकेट वैकेट आराम से यूज करो आज घर पे जाके सब लोग कैलकुलेटर का वीडियो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब मेरे को प्रेजेंट वैल्यू उस समय मेरे को क्या निकालना था अक्यूमुलेटेड वैल्यू निकालना था क्या अब मेरे को अक्यूमुलेटेड वैल्यू दे दिया है फाइव थाउजेंड पाउंड ठीक है मेरे को एन दे दिया है एट सबसे पहले मेरे को दिया है सिंपल इंटरेस्ट पांच परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट छह परसेंट सब पर है मैं सिंपल डिस्काउंट सात परसेंट कंपाउंड डिस्काउंट आठ परसेंट एकदम ध्यान से देखना कैसे कैसे मैं कर रहा हूं तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में इक्वेशन क्या बनाएंगे प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस एट इंटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव इज इक्वल टू फाइव थाउजेंड यस और नो क्लियर है सबको प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस एन आई इज इक्वल टू अक्यूमुलेटेड वैल्यू ठीक है इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट तुम बताओ ये तुम्हारा नाम क्या है पूरा नाम हाँ इप्सिता तुम बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में क्या होगा ट्राई करो बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्वेशन बनाओ क्या बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का इक्वेशन प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आई वन प्लस आई टू दी पावर एन इज व्हाट फाइव थाउजेंड सिंपल डिस्काउंट में क्या बनेगा सिंपल डिस्काउंट में हम लोग का बनता है अक्यूमुलेटेड वैल्यू वन माइनस एन इंटू डी विच इज जीरो पॉइंट जीरो सेवन इज वॉट प्रेजेंट वैल्यू कंपाउंड डिस्काउंट में क्या बनेगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट टू दी पावर एट इज प्रेजेंट वैल्यू सबको क्लियर है चारो इक्वेशन एकदम आराम से मैंने बनाया है सॉल्व करो पार्ट पार्ट में और इसका एंसर निकालेगा सब लोग बहुत सिंपल है एकदम कोई भी इसमें चैलेंज नहीं है एकदम कोई भी इसमें चैलेंज नहीं है एकदम क्या क्या है है तो शिवम हां क्या थ्री फाइव सेवन वन हां फिर पहला वाला क्या था कोई था क्या थ्री फाइव सेवन वन पॉइंट फोर फिर दूसरा वाला थ्री वन थ्री सेवन पॉइंट ठीक है फिर थर्ड वाला हम्म ठीक है फिर लास्ट वाला हां ये वाला सबको आ रहा है बोलो ये वाला सबको आ रहा है यस और नो ठीक है, क्लियर है एक और क्वेश्चन करेंगे अक्यूमुलेटेड वैल्यू मेरे को दिया है टेन थाउजेंड ठीक है प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एन मेरे को दे दिया है ट्वेल्व ठीक है हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को दिया है ट्वेल्व परसेंट और सिंपल डिस्काउंट हम लोग को दिया है ट्वेल्व परसेंट तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या बनेगा प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस ट्वेल्व इंटू जीरो पॉइंट वन टू इज वॉट टेन थाउजेंड एंड सिंपल डिस्काउंट के केस में क्या बनेगा टेन थाउजेंड वन माइनस ट्वेल्व इंटू जीरो पॉइंट वन टू इज प्रेजेंट वैल्यू अब बताइए क्या क्या आ रहा है अपना आंसर में आंसर में क्या क्या आ रहा है अपना बताइए फोर जीरो नाइन एट पॉइंट ठीक है फिर दूसरे वाले में क्या आ रहा है तुम लोग का ये वाला जो बैच है ये रुकेगा नहीं ठीक है बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन तुम लोग जाएगा ना पोर्टल पे जिसको जिसको ऐसा लगता है उसका इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा कमजोर है वो क्यू फोरम में जाएगा स्टडी मेटेरियल वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स बोल के है उसमें वंदिता मैम का पांच तो बेसिक क्लास है डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन का वो देखेगा उसमें कोई भी क्वेरी होगा तो वो हम समझा देंगे ठीक है इंटीग्रेशन का यूज धीरे धीरे करके कल के क्लास से आना चालू हो जाएगा और ऐसा नहीं है कि हर क्लास में इंटीग्रेशन चाहिए और बहुत हाई लेवल इंटीग्रेशन चाहिए ट्रिग्नोमेट्री एकदम नहीं है खाली थोड़ा बहुत आईलेट वाला जो रूल्स है वो सब हम लोग को याद करना है एंड प्रोडक्ट रूल डिवाइड वाला रूल और बेसिक इंटीग्रेशन चाहिए कुछ भी यहां पर बोर्ड में कराऊंगा मैं उसको समझा दूंगा पहले तो टेंशन वाली बात कुछ भी नहीं है ठीक है ना कितना आ रहा है बताइए दूसरा वाला टू वन फाइव सिक्स पॉइंट सेवन वन वन फाइव ठीक है ये वाला सबको समझ में आ रहा है क्लियर है ठीक है सो दैट्स इट फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ठीक है एक सेकेंड एक सेकेंड हाँ बोलो हाँ तो ये मेरा एग्जाम्पल गलत हो गया थोड़ा ये पहला वाला सही आ रहा है क्या अब इसका इंप्लीकेशन समझो क्या हो रहा है बारह साल बारह परसेंट करके तो हो नहीं सकता है समझा तो इसीलिए हम लोग यहां पर एक काम करते हैं इसके जगह में एक चेंज कर देते हैं बारह परसेंट के जगह में इसको कर देते हैं छ परसेंट ठीक है अब इसको सॉल्व करो सो टेन थाउजेंड वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू ट्वेल्व कितना आ रहा है 28 एट एग्जैक्ट आ रहा है क्या ठीक है सो दैट्स इट फॉर टुडे अभी आप लोग का सेकेंड सेशन होगा साढ़े बारह बजे से वो आपका चलेगा दो बजे तक तो जो लोग भी टिफिन लाए सब लोग टिफिन करेगा मैंने पहले ही बोल दिया था बाहर का खाना अलाउड नहीं है ठीक है आज फर्स्ट डे है तो मैं अलाउ कर रहा हूं बट दस मिनट में जाके आ जाना है ठीक है और साढ़े बारह बजे जो सेशन चालू होगा वो स्टैट्स बेसिक्स का क्लास है ठीक है कल हम लोग सेम टाइम पे मिलेंगे कल से पंद्रह बीस मिनट पहले आकर बैठेगा ठीक है थैंक यू ऑल ऑफ यू